मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसिस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं हीरो द सुपरस्टार के ऑफिशियल ट्रेलर पे। और इस मूवी में सुपरस्टार शाकिब खान उनके साथ है, अपू विश्वास मैम। तो सबसे पहले हमें ट्रेलर देखने थे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शकिब खान प्रयोजित प्रथम छवि। हीरो का सुपरस्टार परिचालन बदिउल आलम खोकन। आई लव यू। ओ तोर भालोबाशार मानुष ना कि भावे Without God, anybody, I don't care. I am hero. টাইগার খুন হয়েছে, তাহলে আমার ববি কোথায়? তুই যদি বাবাকে খুন করতে চাস তাহলে আমি তোকে বাঁচিয়ে রাখবো কোন আশায়। এই সুথার ডেভিড ডলার দেখতে কেমন তা তোমার বাবা ছাড়া আজ পর্যন্ত অন্য কেউ জানে না। ডেভিড ডলারের সাথে লড়াই করতে চাইলে তাদের অবস্থা কেমনই হয়। ডেভিড ডলার माल देशी होलेओ नाम विदेशी। देखले तो रहता चहे मन है कॉलिंग बेल हर एकी के सो स्वीट हीरो हीरो द सुपरस्टार हीरो द सुपरस्टार। ओ ओ ओ वाह तू तू जेता मैच যেটা ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হরমত আমার মামলার অবস্থা। আমার সাথে প্রতারণা। নিউজ বলার জন্য মিডিয়ার সাংবাদিক আর রিপোর্টার রয়েছে, তোমাদের দায়িত্ব খুনিকে চিহ্নিত করা। যাও ওকে ধরার ব্যবস্থা করো। আরে খুনি কি রানিং বাস যে দৌড়ে গিয়ে ধরবো? কেউ চাইলে ধরবো চ্যালেঞ্জ, আজ পারলে করে না ডিফেন্স, আমি নিতে চাই যে রিভেঞ্জ। কি ভেবেছিস তুই একের পর এক খুন করে যাবি আর আমরা তোকে ধরতে পারবো না? জাফর জোরদার আর আলমান চৌধুরীর আসল রূপ ডেভিড ডলার। ডেভিড ডলার তোর কাছে সবচাইতে বড় ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে, বাট এই হিরোর কাছে অল আর জিরো। আমি হিরো সুপার ডুপার চুরি মেলা আছে রেভার, আমার কাছে সবাই জি হিরো। সত্যিকারের বীর পুরুষ আমি, সেটা রক্তে থাকা চাই, রক্তে। এই হাতে আছে পাওয়ার, সব হিসেব আছে যাওয়ার, বস আমি এই দুনিয়ার একাই। আমার লোকদের মারার চেষ্টা করলে মৃত্যু ছাড়া বাঁচার কোনো উপায় নেই। জাফর জোয়ারদার মৃত্যুর হাতিয়ার। শহরের ফুটপাথের গুন্ডা থেকে শুরু করে হাই লেভেলের সমস্ত ক্যাডারদের এক ঘন্টার মধ্যে আমি আমার সিকিউরিটি হিসেবে দেখতে চাই। হিরোস টাইম স্টার্ট। Yeah.
এসকে ফিল্মস পরিবেশিত উইদাউট গড এনি পাওয়ার আই ডোন্ট কেয়ার আই অ্যাম হিরো বদিউল আলম খোকন পরিচালিত হিরো দ্য সুপারস্টার हाँ हीरो द सुपरस्टार का ऑफिशियल ट्रेलर लिटरली आपके इतने सारे सजेशन आने थे आप इस वाले ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन लिखा ये बाकी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो इस मूवी के एक्शन का लेवल है ना जो अभी जो बांग्लादेशी मूवी जो बन रही है जो साकिब खान की आ रही है उसका जो लेवल होने वाला है उसमें रात दिन का फर्क होने वाला है। पहले इसमें लगता था कि हाँ इनके हार्नेस बांधे हुए हैं और ये फाइट सीन कर रहे हैं तो वो पता लग रहा था इस पूरे ट्रेलर के अंदर क्योंकि जो बंदे उड़ते हुए दिखते हैं ना तो उसमें साफ पता लग रहा था। लेकिन अब जो इनके एक्शन का जो अब स्टैंडर्ड होने वाला है वो काफी हाई होने वाला है वो काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि अब मूवीज में पैसे भी ज्यादा लगते हैं और जो मतलब कैमरा है जो डायरेक्टर है और जो मतलब जो फाइट सीन को कोरियोग्राफ करते हैं वो भी अब काफी टैलेंटेड होने लगे हैं। तो इसकी वजह से अब बांग्लादेशी इंडस्ट्री की जो मूवीज आती है तो उनमें जो एक्शन सीन देखने को मिलते हैं वो काफी अच्छे लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे अपग्रेड हो चुके हैं। अभी हमने अभी जो इनके सॉन्ग्स और अभी नए नए जो अपडेट्स हम देखते हैं तो उससे पता लगता है। लेकिन सच में काफी सारे इसमें एक्शन सीन्स की तो बात करी जाए ना तो कई जगह पे ऐसा लग रहा था कि मतलब अलग ही फील दे रहा था कई जगह पे। जो कॉमेडी सीन भी थे वो भी काफी अच्छे थे और जो इतना बड़ा ट्रेलर था ये 6 मिनट का ट्रेलर था। सीरियसली 6 मिनट का ट्रेलर मैंने पहली बार देखा है। और एक और बात कहना चाहूंगा कि जो साकिब खान जिस तरीके से इस पूरी मतलब ट्रेलर के अंदर मतलब कमाल करते हुए नजर आए सीरियसली कि वो उस टाइम भी कमाल के फाइट सीन करते थे और जब अब उनकी मूवी आने वाली जैसे कि अब तूफान की बात करें तो तूफान में वो फुल हमें एक्शन करते हुए दिखेंगे। लेकिन जो लेवल होने वाला है तूफान के अंदर वो आप देखना वो कुछ अलग ही कमाल का मतलब एक्शन सीक्वेंस होने वाला है उस मूवी के अंदर। बाकी इस मूवी के अंदर भी जो उनका एक्शन करने का तरीका है वो जिस तरीके से उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन रहते हैं जिस तरीके से वो एंगर रहता है वो बहुत अच्छा रहता है वो काफी कमाल का है। जिस तरह उनकी डायलॉग डिलीवरी रहती है जैसे इसमें भी उन्होंने एक डायलॉग मतलब काफी ज्यादा आई डोंट केयर आई एम हीरो तो वो जिस तरह से वो डायलॉग प्रेजेंट करते हैं डायलॉग डिलीवरी है वो काफी ज्यादा अच्छी है उनकी। सो गाइस ओवरऑल ये ट्रेलर की बात करें तो हमें बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंट करना सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।